Now we have to solve the given system of linear equations using graphical method. Okay. चलो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक इक्वेशन के लिए आपको तीन ऑर्डर्ड पेयर या दो मिनिमम आपको फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन एक तरह से आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इक्वेशंस के। सो व्हाट आर द गिवन इक्वेशंस हियर, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। सो सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री आर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का भी हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, दोनों पैरेलली करके चलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 4x प्लस थ्री वाई, 4x प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू आर, तीन तीन पॉइंट्स, तीन तीन ऑर्डर पेयर्स हमें दोनों के फाइंड करने हैं। तो आप एक बना लो, टेबल बना लो जिसमें दो रो होने चाहिए, ठीक है। एक रो में आपका एक्स का वैल्यू, दूसरे रो में वाई की वैल्यू। सो तीन ऑर्डर पेयर चाहिए तो हमें चार कॉलम चाहिए हर एक के लिए। चलो ये तो एक हो गया, सेकेंड मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूं, वन टू थ्री। चलो ये हो गया, नेक्स्ट आपका ठीक है। अब क्या करना है, x एक में रहेगा, दूसरा हमारा y रहेगा। सो इफ वी फाइंड y, क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी हम वैसे ही कर लेंगे, फर्स्ट वन इज x, सेकेंड अगर y हम फाइंड करते हैं सो 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3। अब कोई मुझे सॉल्यूशन बताओ, ट्राई करना, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वैल्यू, और इंटीजर आए, हाँ सर ठीक है, इंटीजर फर्स्ट के लिए सर वन, x की वन में, x वन, हाँ सर, y भी वन होगा, y वन, वेरी गुड सर, फिर x थ्री, x थ्री, y जीरो, ठीक है, x फाइव, फाइव, हाँ फाइव ले लो आप, माइनस वन, ओके, चलो तीन पॉइंट्स मिल गए। सेकेंड के लिए x equal to sir 5, x equal to 5, so 5 into 4, yes, 20, ये तो बहुत आगे चले गए यार, और कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है। अच्छा 5 से कितना आ रहा है, 20 माइनस 2 18, तो माइनस 6 ना, माइनस 6, ओके, नेगेटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में देखो आप माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 लो, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, हाँ सर, और उसके बाद और कोई वैल्यू, और इनको जीरो अगर ले लेते तो 2/3, नहीं वो तो और भी रेकरिंग में आ जाएगा ये, हाँ सर, इसलिए ना नहीं, हाँ, और कोई पॉइंट, 4 × 1, नहीं माइनस वन तो हो गया, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 10, 8 माइनस, हाँ 2 ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, हाँ सर, हाँ सर, 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, राइट, यस सर, ठीक है। चलो तो अब कोई पॉइंट याद रखना, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 1130, 1130 5 माइनस 1, 1130 5 माइनस 1, यस, सेकेंड क्या, सेकेंड वाला है सर 5 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 2 और 2 माइनस 2, 5 माइनस 6, सेकेंड क्या था, माइनस 1 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 माइनस, चलो अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ पेपर ले लो, ठीक
ठीक है, उसके बाद हमें क्या एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है विवेक। सो वी ड्रॉ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड वी हैव टू सेलेक्ट द स्केल इन सच अ वे दैट इट विल कवर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों मिनिमम और मैक्सिमम आपको देखना है, उसके बाद स्केल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ देखो हमारा मिनिमम जो है 5, आपका 5 तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में -1 दिख रहा है मुझे, चलो कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। और -6 आपको -6 वाई वाई के लिए है, तो 1 box = 1 unit हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस 1 box = 1 unit। तो सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। इधर -1, -2, -3। वाई में भी हम वैसे ले लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। और इधर पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश एक्स डैश एंड एक्स। अब देखो पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेंगे, तो फर्स्ट आपका जो है 1,1, तो 1,1 तो आपका ये आ गया। सेकेंड वन इज 3,0, ठीक है, अब 2 पॉइंट मिल गया। और थर्ड हमारा है 5,-1, तो 5 एंड -1। ठीक है, अब एक स्ट्रीट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। वैसे ही इस साइड भी एक्सटेंड कर देना है आपको, दोनों साइड एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और इस पर आपको पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। सेकेंड लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड वन देखो 5,-6, सो 5 एंड -6 विल बी हेयर, एंड -1,2, सो -1,2। यही पॉइंट देखो सॉल्यूशन यही इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, नहीं -1,2, हाँ यही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, -1,2। हाँ ठीक है, उसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा 2,-2, 2,-2 यहाँ आ रहा है ना। ठीक, हाँ सर ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो आप। सो इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये देखो कुछ ऐसे जा रहा है। सो इसे भी एक्सटेंड कर लो आप सेकेंड साइड में। ठीक है, पॉइंट जहां है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना आप। चलो अब हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 5,-6। पॉइंट्स आपको लिखने हैं, यहां पर हो गया -2,-2, 2,-2, 2,-2, और इधर हो गया -1,2। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और सेकेंड वाले लाइन की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया 3,0, और दूसरा था 5,-1, ये वाली पॉइंट सर्कल कर देना चाहिए, एक्चुअली सर्कल कर दो ताकि लोग को पता चले। ठीक है, 5,-1, एंड थर्ड पॉइंट हमारा था 1,1, ये वाले 1,1। इवन इक्वेशंस के नाम भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या है वो आप यहाँ लिख दो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट -1,2 एस, टू हाँ -1,2 एस बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट एट -1,2 शो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन फाइंड करना था या सिर्फ प्रूफ करना था कि यूनिक है? सॉल्व ग्राफ के लिए, अच्छा सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। हेंस एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू टू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? यस किसी को डाउट है कुछ? सर, देख लो, ये एक्चुअली ग्राफ का प्लॉटिंग तो आप लोग क्लास 9th में कर ही चुके हो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, दो पॉइंट फाइंड करते हैं, तीसरा तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है हमारा। तीसरा आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर एग्जाम में कम टाइम रहे तो तीसरा बिल्कुल छोड़ देना आप। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट वन। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर दोनों जो है हमारे इंटरसेक्ट करने चाहिए, एक्चुअली ओवरलैप करने चाहिए, कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम हम वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे दोनों का। सॉल्यूशंस ऑफ 3x - y = 2 और सेकेंड सॉल्यूशंस ऑफ 9x - 3y। यहाँ देखो, आप अगर 3 से डिवाइड कर दोगे ना सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, तो सेम आ जाएगा इक्वेशन। देखो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 9x - 3y = 6 इज नथिंग बट 3 x - 3x - y = 2। ठीक है, के ऑफ दैट, इसलिए रेशियो हमारा जो है इक्वल आता है ABC का। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करना है, आप लोग ट्राई करना कि सेम वैल्यू टेबल में मत लेना, नहीं तो सेम वैल्यू ले लोगे टेबल में तो क्या होगा कि आपको थोड़ा शो करना मुश्किल हो जाएगा कि ओवरलैप कर रहा है वो, क्योंकि 3 ही पॉइंट आपका दिखेगा फिर। तो इसलिए ट्राई करना कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एटलीस्ट दो दो डिफरेंट वैल्यूज लेना। एक अगर कॉन्साइड कर भी जाए तो इशू नहीं है, क्योंकि वो तो आपके वेरिफिकेशन के लिए ही होता है। इस बार कौन बताएगा मुझे एक्स और वाई की वैल्यू? सर एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2। x = 0 y = 2। बार बार आप ही बताओगे यार, और कोई नहीं बताएगा? y = 3x - 2। हाँ, x = 0 y = -2 ना? ठीक है, नहीं सर, इक्वेशन तब मेरा गलत है। 3x - y = 2 लिया है ना, देखिए y = 3x हाँ माइनस टू हो जाएगा, आपने प्लस टू कर दिया होगा। हाँ सर, हम लिए हैं 2x + 2 + 3x। ओके, 2 + 3x नहीं होगा ना, y आप एक्चुअली ट्रांसपोज करो RHS साइड और 2 को ट्रांसपोज कर दो LHS साइड, सो 3x - 2 हो जाएगा। थ्री एक्स यस इक्वल टू यस वाई प्लस टू होगा, या आप लिख सकते हाँ हो वाई सर, इक्वल टू, हाँ इवन जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप नहीं भी लिख सकते हो, आप x = y के टर्म में भी लिख सकते हो, आप उसको जो हाँ मतलब सर, हाँ जिसमें कंफर्ट हो वो लिख हाँ सकते हो आप। कोई अदर पॉइंट? अगर x = 1 रहा देन इट विल बी 1 - 2, दैट इज 1। ठीक है, x = 0 तो हो गया, देन x = मान लो 2 है, देन y विल बी इक्वल टू 2 * 3 = 6 - 2 4 4। ठीक है, एक तो निकल गया। दूसरा हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो अगर डिवाइड कर दिए तब तो फिर मेरा सेम आ जाएगा। y = 9x - 6 /
चलो अब बता दो, अलग पॉइंट लेना है, एक पॉइंट आप कॉमन ले सकते हो, जीरो वाला चलो कॉमन ले लेता हूं, बाकी अलग आप लेना। जो यहां सेटिस्फाई करेगा ना वो यहां भी सेटिस्फाई करेगा। थ्री ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए, थ्री, सेवन तो थ्री हो गया, तो 3 × 9 27, -6 21, तो 7 हो गया। चलो फोर 4 लेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा स्केल छोटा रखें। माइनस माइनस निगेटिव में माइनस हाँ टू सर ले, निगेटिव माइनस टू में कितना आएगा, -8, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया कवर, ठीक है। -1 नहीं कवर हुआ ना, -1 ले, -1 लेते हैं ना, हाँ तो -1, तो -15/3, -5, ठीक हाँ है। चलो अब हमारा पॉइंट्स आप लोग याद रखना, कितना है, 0, -2, 1, 1, 2, 4, वन वन टू फोर। सेकेंड हमारा 0, -2, 3, 7, 3, 7, -1, -5, -1, -5, ओके। फिर से क्या करना, हमें ग्राफ पेपर चाहिए। अब देखो, एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 3, ठीक है, -1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है, तो एक्स तो ज्यादा आपका रेंज नहीं है हमारा। वाई में हमें चाहिए 7 तक, ठीक है, वाई में हमें 7 तक चाहिए, तो पॉजिटिव वाई थोड़ा ज्यादा लेंगे। चलो दिस इज वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश 0, सो 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इधर माइनस में अप टू -5। ठीक है, अब 0, 0, -2, सो दिस पॉइंट, नेक्स्ट वन इज 1, 1, दिस पॉइंट, सॉरी 1, 1 है, 1, 0 मैंने कर दिया, 1, 1, एंड थर्ड पॉइंट इज 2, 4। एक्चुअली एकदम शार्प डॉट देना चाहिए, नहीं तो फिर आपका लाइन जो है गड़बड़ आ जाता है, ठीक है, 2, 4, उसके बाद आप इसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तीनों देखो, आपको तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है, कोलिनियर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, सेकेंड वन वी हैव टू प्लॉट 0, -2, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, एंड 3, 7, 3, 7 देखो आ गया एग्जैक्ट, 3, 7, ठीक है, और थर्ड पॉइंट इज -1, -5, सो -1 एंड -5, सो -1, -5, 3, 7, 0, -2, ये आपका हो जाएगा 1, 1, एंड दिस वन इज 2, 4, ठीक है। आप, मैं तो यहाँ कलर अलग है तो इसके ऊपर मैं जैसे ज्वाइन कर भी देता हूँ तो पता चल जाएगा। आप लोग थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एरो दो जगह दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो, ओके आप कोइंसाइड कर रहा है, सिंस दिस टू आर कोइंसाइडिंग, सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सजेशन एज द टू लाइन्स
आर कॉन्साइडिंग हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinite number of solutions. Okay. Any doubt? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. विवेक है या चला गया? Okay, is there only Vivek? Do you have any doubt? Vivek not responding. Can you understand few Nepali or not, sir? No, Vivek, I am not able to understand any Nepali words. Okay. Prisa, आपको कोई doubt है? नहीं है. अच्छा, आप लोग सब लोग एक काम करना, टेस्ट आप लोग जरूर देना, ठीक है? रियल नंबर्स का मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है टेस्ट, और मे बी एक दो दिन में मैं पॉलिनोमियल्स का भी कर दूंगा, ठीक है? 10 क्वेश्चंस हैं उसमें, 10ों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है? और टाइम है आपका 1 आवर, टाइम है आपका 1 आवर. अगर एमसीक्यू टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम हुआ देन दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू, ठीक है? यस yes, चलो तो फिर यहीं तक रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास हम लोग का फिर होगा, आज हो गया ट्यूसडे. विवेक, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है? थर्सडे को फिर हम लोग मिलते हैं. ओके ओके, बाय.